सर बताएं, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की क्या स्थिति है और वो फोरकास्ट क्या है? हाँ, हिमाचल प्रदेश से मानसून जो पिछले 2-3 दिन से एक्टिव चल रहा है, पिछले 24 घंटों में भी हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस एरिया है जहाँ मोस्ट प्लेसेस पे बारिश हुई है, कुछ एक जगह पे हैवी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो धर्मशाला में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई लास्ट 24 आवर में। अभी जो मानसून है अगले 2 दिन और एक्टिव रहेगा। आज भी हिमाचल प्रदेश के मोस्ट प्लेसेस पे बारिश हो सकती है और कल भी मोस्ट प्लेसेस रहेगी। उसके बाद जो 21 तारीख को जो थोड़ी सी कमी आएगी, 21-22, उसके बाद 23 तारीख को जो है वो थोड़ा वेदर जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई रह सकता है, लेकिन 22 तारीख तक जो मौसम जो है वो ख़राब रहेगा। तो अब जो वार्निंग इशू की गई है वो आज के लिए 19, 20 और 21 के लिए की गई है। 19 और 20 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बारिश जो हैवी टू वेरी हैवी हो सकती है, और उसके बाद 21 तारीख को हैवी बारिश ही रहेगी। जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं जिसमें शिमला, सिरमौर और साथ में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और साथ में जो चंबा के इलाके हैं और कुल्लू के इलाके लगते हैं, वहाँ पे जो कुछ एक जगह पे हैवी बारिश जो होने की पॉसिबिलिटी है। और 19 और 20 तारीख को जो हैवी के साथ कुछ एक जगह पे वेरी हैवी बारिश भी हो सकती है। जो टेम्परेचर है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, जो मिनिमम टेम्परेचर थे जो आज नॉर्मल या नॉर्मल से बिलो रहे, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं रही। आने वाले जो दिन होंगे इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री जो उसमें गिरावट आ सकती है। तो क्या सर कोई वार्निंग दी गई कोई हाई रीचेस पे ना जाए या नदियों के आसपास? हाँ बिल्कुल, जैसे जे बारिश जहाँ मानसून एक्टिव होता है तो इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं। जैसे कि एक तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम रहती है, जो हिली टेरेन एरियाज़ होते हैं उसमें विजिबिलिटी कम रहती है। नेशनल हाईवेज जिसमें दिन के टाइम में भी, इवन दोपहर के टाइम में भी जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। तो जैसे आजकल पर्यटक भी आते हैं और आम जनता भी जो है वो उनकी काफ़ी मूवमेंट रहती है स्टेट में, तो वो थोड़ा संभल के चलें। और साथ में ही जैसे जो बारिश ज़्यादा होती है, 2-3 दिन लगातार बारिश है, तो जो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी जो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो पर्यटक आते हैं, जो आम जनता है, वो अपनी गाड़ियाँ भी जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पार करें। और जो तीसरा है, जो नदी नालों में भी पानी जो भर जाता है, तो इसमें जो आने वाले दिन होंगे इसमें नदी नालों में भी पानी का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रह सकता है। तो पर्यटक या आम जनता जो है वो नदी नालों से दूरी बनाए रखें।